हेलो गाइस, अगर आपने स्नैपडील पर सेलर अकाउंट क्रिएट किया है तो इनिशियल में क्या होता है, आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है लेकिन वो इनएक्टिव कैटेगरी में डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, तो उसको कैसे एक्टिवेट कराना है चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रोसेस है। अभी हम चलते हैं प्रोफाइल मैनेज में, ठीक है। जैसे ही आप प्रोफाइल मैनेज में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल स्टेटस, ये हमारा इनएक्टिव शो कर रहा है, राइट। अब आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और आपको थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और जाके स्नैपडील की जो सपोर्ट टीम है वो आपके अकाउंट को रिव्यू करेगी, देन उसके बाद में ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में आप कैटलॉग वगैरह जो भी करना चाहेंगे होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेफ़्ट पैनल में देखेंगे सपोर्ट की बटन है, ठीक है। सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आती है क्वेरी, ठीक है। आप क्वेरी पर क्लिक करेंगे और न्यू क्वेरी जनरेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप किस कैटेगरी में अपनी क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलर पैनल सेलर अकाउंट से रिलेटेड सेलेक्ट करता हूँ। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अकाउंट इनेबल डिसेबल, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलर वांट टू इनेबल द अकाउंट, राइट। ये इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी क्वेरी राइट करनी है कि मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है और मैं अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, जिस कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर फाइल अटैच कर सकते हैं अपनी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। तो मैं इतना करके फिर आगे क्वेरी सबमिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके ये हो जाएगा, और इतना करने के बाद में जो इसकी जो सपोर्ट टीम होगी वो इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी, और क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद में आपके अकाउंट को इनएक्टिव से एक्टिव कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप प्रोडक्ट कैटलॉगिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना प्रोसेस करने के बाद में आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने फ़ाइल भी अटैच कर दी हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सिंपल एक मैसेज डाला है कि मैंने आपके पैनल पर अकाउंट क्रिएट किया है और आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए और ताकि हम आप कैटलॉग अपना सेल कर पाएँ, अपलोड कर पाएँ, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें वो भी बताइए, तो हम उसको भी सबमिट कर देंगे, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर मैं यहाँ सबमिट क्वेरी पर क्लिक करते हैं, राइट। ओके, सो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, और इसका जो सपोर्ट टीम है वो इसको वेरीफाई करेगी, क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी, रिव्यू करेगी, और उसके बाद में आपके अकाउंट को इनएक्टिव से एक्टिव कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप कैटलॉग भी कर पाएंगे जो भी है। तो इसका जो भी फीडबैक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।